हेलो गाइस वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है कृतिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का अन अकेडमी पर वेलकम यू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग गाइस आई होप आपको आवाज़ क्लियर होगी एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है तो एक बार मुझे थम्सअप कर दीजिए गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग गाइस आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ अभी एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारे इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज नॉट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है मैं ये मानती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ये काम करेंगे मैंने आप लोगों को अब तक लगभग लगभग थर्टी क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुकी हूँ मेरा टारगेट है आपको टू हंड्रेड एम सी क्यूज सॉल्व करवाने का तो थर्टी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं आज की क्लास में हम देखेंगे आठ से दस क्वेश्चन जो रेगुलर आधे घंटे में जितने पॉसिबल हो पाएंगे उनको हम देखने की कोशिश करेंगे गुड मॉर्निंग गाइस एक बार वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से क्योंकि ये आपका काम है वीडियो को शेयर करना जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग हमारे साथ में जुड़ पाए ओके गुड मॉर्निंग गाइस एक बार वीडियो को फटाफट से जितने ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दो क्योंकि बहुत ही बड़ी सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ एनवायरमेंट की और उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी मैं कर रही हूं तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से इसी के साथ साथ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कृतिका पारिक मेरा नाम है अन अकेडमी पर मैं एजुकेटर हूं दोस्तों और अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यूजीसी टेन कोड की मदद से डिस्काउंट ले सकते हैं टेन परसेंट का अपने सब्सक्रिप्शन की फीस पे जब भी सब्सक्रिप्शन ले तो कोड आप अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी टेन पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जहां तक सवाल है मेरी प्रोफाइल का तो मेरी प्रोफाइल आपको अनैडमी पे कृतिका पारिक के नाम से अवेलेबल होगी और अगर आप चाहते हैं कि अन अकेडमी पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ें क्योंकि मेरा पेपर टू ज्योग्राफी है और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ पेपर टू के लिए पेपर वन है पेपर वन में मैं मोस्टली सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ बट एन्वायरमेंट में मैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ के आपको पढ़ाना पसंद करती हूँ तो पेपर टू की जहाँ बात है उसका कोर्स और पेपर वन दोनों का कोर्सेज मैं अठारह तारीख से मैं लेके आ रही हूं तो अठारह तारीख को अगर आप अठारह तारीख से पहले अपना सब्सक्रिप्शन आप लोग कंप्लीट कराएं सब्सक्रिप्शन की फीस आपके सामने है इलेवन मंथ टू ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फीस भी आपके सामने है आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेते हैं बाकी अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो 12 महीना 24 महीना बेस्ट सब्सक्रिप्शन है आगे आपकी मर्जी वन मंथ का लोगे तो भी टेन परसेंट डिस्काउंट है 24 मंथ का लोगे तो भी डिस्काउंट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तब भी यूजीसी टेन कोड पर डिस्काउंट है मतलब ये कि अन अकेडमी पर आप कैसा भी सब्सक्रिप्शन लो किसी भी डोमेन में सब्सक्रिप्शन लो अगर आप कोड अप्लाई करते हो कोई सा भी या यूजीसी टेन कोड अप्लाई करते हो तो टेन परसेंट का इंस्टेंट ऑफ आपके लिए अवेलेबल रहता ही रहता है मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारी पिछली क्लास में थोड़ी साउंड प्रॉब्लम थी देखिए तो पहला सवाल आपके लिए आ रहा है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए च नेशनल पार्क रिकॉर्डेड नाइन्टी सिक्स यूनिक स्पीशियफ वेटलैंड बर्ड रिसेंटली किस राष्ट्रीय उद्यान में आर्द्रभूमि पक्षियों की नाइन्टी सिक्स अनोखी प्रजातियां दर्ज करी गई है ए बी सी या फिर डी जल्दी से इसका आंसर बताएं ओके okay, तो काफी लोगों ने अपने अलग अलग आंसर्स आपने बता दिए हैं देखिए करेक्ट आंसर सभी लोग एक साथ बहुत स्पीड में बोल रहे हैं कि बी होगा करेक्ट आंसर देखिए विच नेशनल पार्क रिकॉर्डेड 96 सिक्स यूनिक स्पीशीज ऑफ वेटलैंड बर्ड रिसेंटली कैला देवी काजीरंगा इसके हिसाब से आपके बनेर घट्टा एंड बक्सा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों ने आंसर किया था गाइस बी देखिए गाइस द करेक्ट आंसर इज बी क्योंकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है देखिए सवाल आपके सामने है ऑप्शन आपके सामने है देखिए यहां पे साफ लिखा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों विशेषज्ञों द्वारा आयोजित दूसरी वेटलैंड काउंटिंग के अनुसार पार्क में वेटलैंड पक्षियों की 96 प्रजातियां दर्ज करी गई है तो ये एक रीसेंट डेटा है वेटलैंड से रिलेटेड आपके एग्जाम इस बार सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा क्योंकि इंडिया में नए वेटलैंड शामिल हुए हैं फोर्टी टू आज की तारीख में करंटली इंडिया में अवेलेबल है नंबर का वेटलैंड रिसेंटली ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिसंबर को लद्दाख के अंदर सोकार लेक 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 को को मर्ज मर्ज करके बनाया गया है ये दो थी 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 एक थी लेक, एक सलाइन वाटर वाटर फ्रेश लेक। दोनों को मर्च करके सोकार कॉम्प्लेक्स वेटलैंड घोषित किया गया था तो इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे साफ लिखा है दिस काउंट इज वन ऑफ द हाइएस्ट अमोंग अदर नेशनल पार्क विद वर्ल्ड लाइफ काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम हमारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इत ऐसे कितने जगह हैं जो यूनेस्को से रजिस्टर्ड हैं तो यूनेस्को जो जिसे रजिस्टर्ड है वो काजीरंगा नेशनल पार्क असम का नेशनल पार्क है ये विश्व धरोहर के अंदर शामिल है अब देखो भारत जो है ये इसके पास में भारतीय गेंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है जिसे एक सींग वाले गेंडो के रूप में भी जाना जाता है यानी कि जो यहाँ पे हमारे जो रायनोज होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इसी के पास में पाई जाती है ये एक पक्षी इस यहाँ पे कई प्रवासी पक्षी पार्क में आते हैं जो कई पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं तो असम का अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दो चार चीज़ें अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है पहला पॉइंट तो ये कि असम में है दूसरा ये कि यूनेस्को के अंदर रजिस्टर्ड है तीसरा ये कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो रायनोज होते हैं एक सींग वाला वो यहाँ पे मिलता है पक्षियों की बहुत बड़ी आबादी यहाँ मिलती है और अभी रिसेंटली यहाँ पे नाइनटी टाइप्स की बर्ड्स की स्पीशीज नई खोजी गई है तो एक सवाल पांच आपके क्लियर हो जाने चाहिए इससे रिलेटेड मैंने जिन जिन पॉइंट को हाईलाइट किया है उन उन पॉइंट को आपको पढ़ना है काजीरंगा यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल पार्क है यहाँ पे 96 नई प्रजातियां देखी गई है हाँ जी ठीक है यहां पे आपको राइनोस एक सीधा सा सवाल पूछ सकते हैं कि एक सिंग वाला गेंडा भारत के किस राज्य में मिलता है तो ऑब्वियसली असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है The Supreme Court of India recently permitted to introduce which animal to Indian habitant from Namibia? African elephant, African lion, African cheetah, and African African rhinoceros, वीडियो को एक बार जल्दी से जितने ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लास में जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपको भी एक टक्कर का कॉम्पिटिशन मिले ये नहीं है कि एक आंसर बी ने कर दिया तो सब ने बी कर दिया ज़्यादा नहीं अपना टक्कर का कॉम्पिटिशन होना चाहिए अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादातर हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी तो ही क्लासेस को करने में बेनिफिट है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जल्दी से शेयर करो आंसर आप लोग कर रहे हैं ए अफ्रीकन एलिफेंट अपने एनिमल को इंडियन हैबिटेट नामीबिया से लाने के लिए बोला है आप लोग आंसर कर रहे हैं ए यानी कि आफ्र, आपके अफ्रीकी हाथी देखिए दोस्तों यहां पे याद रखना दोस्तों आंसर आपका अफ्रीकी हाथी नहीं होगा आंसर होगा आपका सी अफ्रीकी चीता देखिए साफ लिखा है यहाँ पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र को भारत में उपयुक्त आवासों के लिए अफ्रीकी चीतों को पेश करने की अनुमति दी थी सीधा सीधा साफ लिखा है अफ्रीकी चीता देख देख लो अफ्रीकी चीते यहां पे लिखा है जैसा कि एशियाई चीता जिसे आमतौर पर भारतीय चीता कहा जाता है लगभग विलुप्त हो गया है और आपके जो एन है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसने एक अपील की थी और उसमें ये बोला गया था कि अफ्रीकी चीते को पेश किया जाए अफ्रीकी चीते को लाने का क्या रीज़न था क्योंकि जो एशियाई चीता होता है जिसे हम भारतीय चीता भी बोलते हैं वो विलुप्त हो चुका है अब हमें ये तो नहीं है कि बिना चीतों के खैर कोई दिक्कत नहीं है बट फिर भी हमें जरूरत तो है लाइक अगर हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को हमारी मेंटेन रखना है तो हर एनिमल की जरूरत है तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा एशियाई चीता जिसे भारतीय चीता बोला जाता है वो विलुप्त हो गया था तो आपकी जो एन है फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसने आपके क्या किया था एक याचिका दायर की थी जिसमें भारत में अफ्रीकी चीता को पेश करने की अनुमति मांगी गई थी इतना ही नहीं मुख्य न्यायाधीश थे आपके एसएस एस बॉबडे उनकी अध्यक्षता की पीठ ने भारतीय वन्यजीव संस्थान पर्यावरण और वन मंत्रालय के तीन सदस्यों के साथ में एक समिति भी घटित की थी जो आपकी एनटीसीए का मार्गदर्शन करेगी इंपॉर्टेंट बात है अफ्रीकी हाथी को भूल जाओ यहां पर अफ्रीकी चीते को लेकर आओ ठीक है तो यहां पे याद रख लेना अभी रिसेंटली लाया गया है क्यों लाया गया है क्योंकि हमारे जो चीते हैं वो खत्म हो रहे हैं एनटीसीए ने अपील करी तब जाके अफ्रीका से स्पेशली नामीबिया से वो आया था इज इट क्लियर टू एवरी अगर क्लास समझ में आ रही है अच्छी लग रही है तो एक बार मुझे थम्सअप कर दो और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट किस भारतीय को पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जल्दी से आंसर करिए हेलो एवरीवन जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा बिल्कुल आंसर्स आप लोग बता तो रहे हैं और मुझे लग भी रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है इससे रिलेटेड हमें देखना पड़ेगा टाइलर प्राइस क्या होता है किसे दिया गया है आप लोग आंसर बता रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं सुनीता नारायण को नारायण को कुछ लोग बता रहे हैं पवन सुखदेव को सो मैं जाऊंगी बी वालों के साथ में क्योंकि बी इज द राइट आंसर पवन सुखदेव को दिया गया है आपके टाइलर प्राइस पर ये क्या है टाइलर प्राइस ये देखिए दोस्तों प्रसिद्ध पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना राजदूत पवन सुखदेव क्या क्या थे ये बहुत ज्यादा थे के लिए पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब टाइलर पुरस्कार क्या है हम बोल सकते हैं इसको एनवायरमेंट में मिलने वाला नोबेल प्राइज लाइक like, जो नोबल प्राइज की वैल्यू है तो एनवायरमेंट के सेक्टर में जो नोबल प्राइज अगर हम देंगे तो वो टाइलर प्राइस के नाम से जाना जाएगा सबसे पहले जो प्राइस था दोस्तों वो 1973 के अंदर शुरू किया गया था और इसे पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है देखिए वही लाइन हमारी निकल करके आ गई है दिस अवार्ड वॉज इनिशिएटेड इन नाइनटीन एंड इट अदरवाइज इज नोन एट द नोबल प्राइज फॉर एनवायरमेंट एनवायरमेंट के लिए नोबल प्राइज के रूप में इसको जाना जाता है पवन सुखदेव शेयर द प्रेस्टिजियस अवार्ड विद अनादर कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ग्रेटी डेली इनको अकेले को नहीं मिला था इनके साथ साथ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि टाई हो जाता है तो इनके साथ साथ ये प्राइज अमेरिका के एक संरक्षण जीव विज्ञानी थे ग्रेचन डेली उन्होंने उनके साथ में इस पुरस्कार को साझा किया था ये जो प्राइज मिला है इंडियंस को ये अब तक के तीसरे इंडियन है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के अंदर भी इनका अच्छा खासा पर्यावरण कार्यक्रम में भी इनकी अच्छी खासी भागीदारी रहती है क्लियर है अब देखिए अब देखिए इनको क्यों मिला अवार्ड तो ये मिला है दोस्तों द इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी पर उनकी रिपोर्ट यू के हरित अर्थव्यवस्था आंदोलन का आधार थी तो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी वो उनका मेन आधार बनी थी इस अवार्ड के लिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट अक्रॉस द वर्ल्ड आई होप आज सभी को स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी क्योंकि काफी लोगों ने बोला मैम वर्ड्स दिखते नहीं है तो थोड़े आज लार्ज आइकन्स आपके लिए लाई हूं सबको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या लिखा है गुड मॉर्निंग एवरी मुझे तो नहीं लगता इस पर कोई भी गलत देगा बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे आंसर किया है करेक्ट आंसर इज गाइज बी फेब्ररी टू क्योंकि फेबर टू को आपके दुनिया के अंदर सबसे पहला जो वेटलैंड है वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है आपके दो फरवरी को क्योंकि दो फरवरी के दिन ही इराक का एक शहर है रामसर वहां पे वेटलैंड से रिलेटेड एक कंजर्वेशन हुआ था जिसमें यह निर्णय लिए गए थे कि ऐसे दुनिया जहान में कुछ एडवेटलैंड को बनाया जाएगा जो पूरी तरह से संरक्षित होंगे तो दो फरवरी के दिन से ही रामसर रामसर कॉन्वेंशन हुई थी इसलिए इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे में कंसिडर किया जाता है देखिए यहां पे देखिए द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन सेकेंड फेब्रवरी अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन फेब्रवरी टू कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड इन द इरा सिटी ऑफ रामसर तो रामसर के अंदर दो फरवरी नाइनटीन सेवनटी वन को ये आपके कंजर्वेशन अडॉप्ट की गई थी और अभी रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड डे भी गया है उसको भी ऑब्जर्व किया गया था देखिए फॉर दैन द डेज बीन ऑब्जर्व एनुअली ऑन द सेम डेट द थीम ऑफ दिस इयर वर्ल्ड वेटलैंड डे इज वेटलैंड एंड बायोडावर्सिटी अब जो हमारे इस साल का जो हुआ था उसकी थीम ये रखी गई थी वेटलैंड और जैव विविधता वेटलैंड और जैव विविधता इसकी इंपॉर्टेंट थीम रखी गई थी और भारत की ओर से वेटलैंड साइट की सूची में शामिल किया गया इसके साथ ही भारत में पूरी तरह से फोर्टी टू रामसर साइट है भारत में 42 टू रामसर साइट्स और देश में एक मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को ये कवर करती है बताया मैंने आपको अभी रिसेंटली बयालीसवीं रामसर साइट कौन सी जुड़ी है लद्दाख याद कर लेना नाम देखो ऐसा कुछ हमारे इंडिया का मैप है इंडिया के मैप पे आपको यहां पे इस जगह पे गाइस लद्दाख है लद्दाख के अंदर एक लेक है जिसको बोला गया है सोकार लेक सो कार लेक इसके लेकर के इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं आपको याद करने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऑन द डेट ऑफ ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी हमारे जो भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं यानी कि जो एनवायरमेंट एमओ ओ सी से जो जुड़े हुए हैं प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था और ये बताया था कि चौबीस दिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी को हमें नई वेटलैंड मिली है कहाँ पर है दोस्तों ये है आपके लद्दाख के अंदर लद्दाख के अंदर ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं है वो समझते होंगे कि गाइज यहाँ से एक रोहतांग पास गुजरता है जो कहाँ से जोड़ता है मनाली को सीधा लेह से जोड़ने का काम करता है रोहतांग पास तो रोहतांग पास से लगभग लगभग थर्टी सेवन किलोमीटर लेफ्ट की आ, राइट की तरफ थर्टी किलोमीटर थर्टी सेवन किलोमीटर के पास में देखने को मिलती है लद्दाख में पाई गई है ये माना जाता है लगभग लगभग सिक्स मीटर की ऊंचाई पर ये हमें देखने को मिलती है इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दो लेक एक है फ्रेश वाटर लेक और एक है सलाइन वाटर लेक यहाँ पे हमें देखते हैं ईरान होगा ईरान होगा ईरान को करेक्ट करना ईरान होगा ठीक है तो लद्दाख लद्दाख के अंदर सबसे पहले जोड़ी गई है कौन से तो नंबर की रामसर साइट होगी 42 नंबर की होगी और जैसे ही इंडिया को 42 नंबर की रामसर साइट मिली दोस्तों इंडिया आपके साउथ ईस्ट एशिया का लगभग दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे ज्यादा वेटलैंड रखने वाली पहली कंट्री बनी है पूरी एशिया की बात नहीं कर रही हूँ साउथ ईस्ट एशिया लाइक इंडिया हो गया आपके इंडिया हो गया चाइना हो गया नेपाल हो गया ये सब आपके नेपाल हो गया आपके इंडोनेशिया हो गया इन सबको जुड़ करके फिलीपींस थाईलैंड वियतनाम जो साउथ एशियन कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसमें यह पहले नंबर का बन चुका है और अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि दुनिया में ऐसा कौन सी जगह है जहां पे हाईएस्ट वेटलैंड देखने को मिलता है तो दोस्तों जो हाईएस्ट वेटलैंड की जगह है वो है आपकी ब्रिटेन जहां पे लगभग लगभग वन प्लस वेटलैंड्स पाए जाते हैं 150 प्लस वेटलैंड्स ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं और यह दुनिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स को रखने वाली कंट्री बन चुकी है ओके नेक्स्ट देखिए विच बर्ड इज नेम द मस्कट ऑफ यूएन कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज किस पक्षी को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज का शुभंकर कहा जाता है बताएं जल्दी से आंसर फोर्टी टू साइट्स इंडिया में ओके okay, सभी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है द राइट आंसर इज गाइज ए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है दोस्तों उसको आपके जो सीओपी uh, जो कन्वेंशन होती है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज सी का शुभांकर बोला जाता है अब ऐसा क्यों बोला जाता है क्या रीज़न है बोलने का तो उसको लेकर के देखिए इसकी डिटेल है आपके सामने ये इसलिए बोला जाता है दोस्तों की जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको आपका नाम दिया गया है क्योंकि इसके तहत इन्होंने तीन प्रजातियों को लाइक जिसमें कौन कौन सी थी आपकी एशियाई हाथी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को विलुप्त होने की जो विलुप्त होने की श्रेणी में डाला गया है और इन प्रजातियों को विलुप्त प्रजातियों में डालने का प्रस्ताव रखा है क्यों क्योंकि अगर इन इनपे ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है इस बार पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी प्रजातियों को सम्मिलित किया गया था एशिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बंगाल फ्लोरिकन या ये हो सकता है इनमें से कौन सी प्रजाति सम्मिलित नहीं थी तीर इनके नाम दे देंगे एक कोई और नाम दे देंगे तो जो फोर्थ नंबर का नाम होगा जो मेंशन नहीं है इसमें वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में पक्षी प्रवासियों और उनके पर्यावरण प्रणालियों के संरक्षण के लिए दूरदर्शी परिक्षेप योजना ट्वेंटी का मसौदा तैयार कर लिया है दो तीन जो हमारे इंडिया में पहली बार तो गिद्ध को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एशियाई हाथी हो गया बंगाल टाइगर्स हो गए और आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेनली दोस्तों इंडिया के अंदर राजस्थान में मिलने वाली ये एक स्पीशीज़ है जो आपके राजस्थान के डेजर्ट इलाकों में एरिड एरिया जो शुष्क इलाके होते हैं वहां पर ये मिलते हैं Okay, next question is Which of the following is used in the prediction of plastic? Mercury, lead, aapke vinyl chloride, and none of these? आंसर आ चुके हैं काफी लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ईजी है पूछा गया है इस यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक बनाने बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है बिल्कुल बहुत ही सही जवाब दिया है आप लोगों ने सभी ने सी बिल्कुल करेक्ट है विनाइल क्लोराइड अब विनाइल क्लोराइड क्या चीज़ होती है देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं बस उसका टर्म नहीं जानते हैं जैसे कि एक चीज़ होती है विनाइल क्लोराइड नो no डाउट हम यूज नहीं करते बट इनसे बनी हुई चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ये देखिए आप लोग जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर डोमेस्टिक यूज़ जैसे कि आपके घरों में जो आप पानी भरने के लिए पाइप लेकर आते हैं वो हो गया पैकेजिंग के लिए अपनी कॉपी किताबों के जो हम पैकेज करते हैं उन सब के लिए जो प्लास्टिक यूज किया जाता है वायर्स हो गए केबल हो गए इवन बच्चों के खिलौने हो गए मेडिकल के अंदर और आपके ऑटोमोटिव के अंदर इन सभी में कैसे ना कैसे करके प्लास्टिक यूज होता है और प्लास्टिक के प्रोडक्शन के लिए विनाइल क्लोराइड यूज़ है यहाँ पे साथ लिखा है विनाइल क्लोराइड मे कॉज कैंसर अथोरिडाइज पर्सन ओनली जैसे कि इसको कोई भी हर कोई अगर आप चाहें कि आज मैं जा करके विनाइल क्लोराइड खरीद के ले आऊँ तो ये नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो जिनको परमिटेबल है ये जिनको परमिशन होती है वही इसको ले पाते हैं और विनाइल क्लोराइड का ज़्यादा यूज़ कैंसर कर देता है एक एक बात ये है कि जब भी हम कोई चीज के बारे में पढ़ते हैं या कोई भी नई चीज आती है तो हम बहुत जल्दी बात बोल देते हैं कि यार तो कैंसर होता है पर एक बार हमें ये चीज देखनी चाहिए कि कैंसर आखिर होता कैसे है तो देखो विनाइल फ्लोराइड है जनरली इससे रिलेटेड अगर हम प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो वो हमारी बॉडी में जाएंगे बॉडी में जाकर कहीं ना कहीं बहुत ही स्मॉल पीएम के रूप में बॉडी में जाएंगे बॉडी में जाके इकट्ठे होंगे लंग्स में इकट्ठे होंगे ब्लड का फ्लो रुकेगा टॉक्सिन्स बनेंगे जैसे ही टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे रिमूवल कम हो जाएगा उनका प्रोडक्शन uh, ज्यादा होगा तो कैंसर अपने आप हो जाएगा ठीक है जी गुड मॉर्निंग गाइज ये जो हमारी क्लास होती है ये साढ़े दस बजे शुरू होती है ये क्लास हमारी टेन थर्टी ए एम पे स्टार्ट होती है तो आप लोग जल्दी आया करें नो no डाउट आप लोग आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया बात है बट थोड़ा जल्दी आएंगे तो शायद थोड़ा अच्छे से समझ में और ज्यादा आएगा अगला सवाल वॉट इज द पी एच वैल्यू ऑफ नॉर्मल रेन सामान्य वर्षा का पीएच मान क्या है वन 5.68 पॉइंट सिक्स मैंने बता दी है क्लास की टाइम टेन थर्टी ए एम मंडे टू फ्राइडे अब कल सैटरडे है और संडे है तो दो दिन क्लासेस नहीं होंगी दो दिन आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी फिर मंडे को मैं आप लोगों से इसी सीरीज के साथ में मिलूंगी थैंक यू आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो सभी लोग इसका अलग अलग आंसर दे रहे हैं काफी लोगों ने आंसर दिया है डी गाइज आई एम सॉरी टू से बट डी इज नॉट द राइट आंसर डी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि सात जो है वो आपके नॉर्मल वाटर होता है नॉर्मल वाटर का मतलब क्या होता है पीएच जो हमारा लेवल है वो आपके जीरो से चौदह के बीच में होता है सात का मतलब होता है न्यूट्रल सात से कम है इसका मतलब एसिडिक है सात से ज्यादा है इसका मतलब एल्केलाइन है जो मैंने पूछा है बारिश का पानी तो बारिश का पानी कंपेरेटिवली एसिडिक होता है तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहां पे बी माना जाएगा 5.6 बता दूं जिन्होंने काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बी भी किया है जैसे कि हमारे गुड़िया सिंह जी हैं गजला जी हैं काफी लोगों ने बी आंसर किया है बट सेवन नहीं होगा सेवन इज अ प्योर वाटर नॉर्मल वाटर का ये माना जाता है देखिए दोस्तों आपके सामने पूरी की पूरी आपकी पीएच टेबल अवेलेबल है देखिए यहां पर अब यहां पे देखेंगे कि जो सबसे नीचे है सेवन से जब नीचे चले जाएंगे तो जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड जो लोगों जो पेट में पे बनता है ना एसिड उसका पीएच वैल्यू होती है वन बहुत ज्यादा खतरनाक लेमन जूस की पीएच वैल्यू होती है दो ठीक uh, uh, है एप्पल जूस की पीएच वैल्यू थ्री टोमेटो जूस की इवन टोमेटो एप्पल इज मोर एसिडिक देन एप्पल इज मोर एसिडिक देन एप्पल एप्पल जूस की वैल्यू है थ्री टोमेटो जूस की है फोर ब्लैक कॉफी भी बहुत एसिडिक होती है फाइव होती है मिल्क की भी सिक्स होती है और प्योर वाटर की बात करूं तो सेवन होती है तो जो आपका एसिडिक uh, रेन होती है दोस्तों वो आपके 5.6 के बीच का क्राइटेरिया तय करती है आपके जो बारिश का पानी होता है बारिश का पानी थोड़ा सा एसिडिक होता है उसको एल्केलाइन बनाया जाता है बाद में इसीलिए उसकी पीएच वैल्यू कम है फाइव इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा जी हाँ जिन्होंने भी आंसर बी किया था बहुत ही सही है अब देखिए प्योर वाटर आ गया आपका सेवन पे एग की वैल्यू ज्यादा है बेकिंग सोडा ज्यादा है हैंड सोप फिर आपके आ जाता है सॉल्यूशन ब्लीच और फिर जो आपके स्पेशली जो केमिकल्स बनाए जाते हैं वो होते हैं हाईएस्ट पीएच पे तो एक चीज़ याद रखना हमारी जो बॉडी है दोस्तों हमारी बॉडी का जो नेचर है वो भी थोड़ा एल्केलाइन है इसको आप जितना ज्यादा एसिडिक बनाएंगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम में जाएंगे पानी को जो हम पीते हैं पानी के लिए तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा आज के टाइम पे जितने हमारे टीवी पे एड्स वगैरह आते हैं लाइक सोप का एड आ रहा है पानी का एड आ रहा है तो हर चीज में एक नाम बोला जाता है पीएच वैल्यू इसका मतलब यह है कि जितनी भी चीजें हम अप्लाई करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के पीएच को इंक्रीज करने के लिए करते हैं क्योंकि अगर हमारी बॉडी का पीएच डाउन रहता है तो डाउन होने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स बनने की संभावनाएं रहती है तो बॉडी का पीएच जितना ज्यादा हाई होगा हमारी बॉडी उतनी ही ज्यादा सेफ रहेगी ठीक है मिल्क का पीएच भी कंपैरेटिवली कम है लाइक मिल्क भी थोड़ा सा एसिडिक के अंदर आ जाता है सिक्स आ जाता है उसका स्वा स्वाति जी बोल रहे हैं है, मैम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में सिर्फ करंट अफेयर्स ही करें या स्टैटिक भी करें कहाँ से स्टार्ट करना है देखिए स्वाति जी आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई है मैंने आप लोगों की स्टार्टिंग की करी है आज हमारा पांचवा सेशन है तो आप चाहें तो पिछले चारों सेशन देख सकते हैं 200 सौ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए मैं लेके आऊंगी जिसमें करंट भी होंगे स्टैटिक्स भी होंगे और आपके related, आपके सिलेबस से रिलेटेड इवन इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे सो यू डोंट वरी दो सो आपको कर लेने हैं इस चैनल की प्ले में आप जाएंगे तो मैंने पांच सो आपको करवाए हुए हैं पिछले सब्जेक्ट पिछली नेट एग्जाम के लिए एमसीक्यूज कवर कर लेना और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने अन प्लस पे जो प्लस कोर्सेज होते हैं वहां पे भी मेरे यहाँ कोर्स अवेलेबल है जहां पे आपको बुक की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ अगर आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छा जी तो अब मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अब आपके देखो किसी से भी कोई सा पूछ सकता है कि ब्लैक कॉफी का पीएच कितना है तो आपको पता होना चाहिए ये थोड़ी सी एसिडिक होती है ब्लैक कॉफी फाइव इसका पीएच होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज व्हाट ट्रू अबाउट एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में क्या सही है अब जैसे ये करंट नहीं है ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन में लेके आती हूँ। सभी लोग आंसर कर रहे हैं अल्कोहल की पीएच वैल्यू क्या होती है अल्कोहल की पीएच वैल्यू हम इसको न्यूट्रल में ही बोल सकते हैं इसकी पीएच वैल्यू सेवन टू एट के बीच में होती है सेवन टू एट के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है तो ये हम इसको थोड़ा एल्केलाइन की कैटेगरी में डालेंगे एसिडिक नहीं होता है ये ये बेसिक वैल्यू मैं आपको इसकी बता रही हूं उसके बाद में उसमें कौन कौन प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्वेटिव होते हैं वो बाद में डिपेंड करता है बाकी जो बेसिक एल्कोहल का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसकी पीएच वैल्यू सेवन टू एट के बीच में रहती है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा इसी ये जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम करके टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यूजीसी तो आपने मुझे बता दिया है कि तो कर रहे हो इसका डी बट आपको लगता है आई डोंट थिंक डी इज द राइट आंसर right जी नहीं बिल्कुल डी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि आप देखें दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से विरोधी है आपने हो सकता है सिर्फ ये पढ़ा हो बट ऑप्शन को देखिए फ्लॉरिश इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन दोस्ट इज एरोक्टीरिया सेनोरोबिक बैक्टीरिया एरोक्टीरिया में क्या होता है रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर दियर ग्रोथ एनोरोबिक में डो नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर दियर ग्रोथ हमारे पूछा गया है एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में तो याद रखना जो बैक्टीरिया होती है नॉट सरवाइव इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एबसेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और यहां पे क्या लिखा है कि मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपते हैं तो पहली बात तो ये कि बैक्टीरिया के बारे में एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में ए स्टेटमेंट हमारा गलत है ठीक है तो इसलिए आपका ए गलत हो गया तो डी भी गलत हो गया याद रखना ठीक है तो यहां पे बिल्कुल एक चीज साफ लिखी है कि ये आपके दीज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं ठीक है और यहां पे क्या लिखा है देन लिखा है दीज बैक्टीरिया रिक्वायर्ड लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इनको चाहिए होता है ठीक है इसलिए यहां पर आपको साफ याद रखना है इसका आंसर आपका सी माना जाएगा क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है तो डी भी अपने आप में गलत हो जाएगा क्लियर है एरोबिक एनारोबिक क्या होते हैं कैसे काम करते हैं दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है एक ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है अगला देखिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब्ड बताइए जल्दी से आंसर कर दीजिए आंसर मिक्स आ रहे हैं कोई बोल रहे हैं थ्री कोई बोल रहे हैं फाइव कोई बोल रहे हैं फोर अब देखिए आपके सामने एक चीज आप लोगों को लगता होगा कि ये पीपीएम क्या है यहां पे डिजॉल्वड ऑक्सीजन क्या है ऑब्वियसली जनरल है ह्यूमन नेचर है लगता है पीपीएम क्या है डीओ क्या है एनवायरमेंट में ऐसी कितनी ही टर्म्स हैं दोस्तों लाइक like डीओ हो गया बीडीओ हो गया सीओडी हो गया पीपी हो गया एसएमएफ हो गया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं तो दोस्तों आपके इन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए कल सैटरडे को शाम को सात बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे मैं आपके लिए लेके आ रही हूं टॉप फिफ्टी ऐसी ग्लॉजरीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कल का सेशन आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है तो जो भी चाहते हैं मेरी कल की क्लास से जुड़ना इसी क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहां पर आप सीधा यूजीसी कैन टेन कोड की मदद से अपनी क्लास को एनरोल करा सकते हैं और मेरे साथ में आके जुड़ सकते हैं तो देखो आंसर जो आपने दिया है मैं बोलूंगी यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा लाइक फोर पीपीएम क्यों है होता है देखो पहली बात तो याद रखना कि आपके फोर का मतलब क्या होता है यह पूछा गया था कि जो पानी होता है पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O H का मतलब है हाइड्रोजन के दो मॉल दो और ऑक्सीजन का एक इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है सीधी सी बात है ना पानी का फॉर्मूला होता है H2O ठीक है अब H2O जो है इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है

जब हम बात करते हैं थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड तो ये क्या होती है हाई टी डी एस वाटर होती है जो मिनरल सेपरेटिंग का, का काम करती है इसी के साथ साथ जो आपका चार्ट है वो आपके यूएस के एवरेज एक्चुअल टी डी एस लेवल को बता रहा है इसमें आपके माइग्रेटरी भी आ जाती है कार्बन फिल्टरेशन भी आ जाता है लेकिन जो फिश है उसके लिए आइडल सिचुएशन है फोर टीडीएस लाइक मिनिमम से मिनिमम फोर तो होना चाहिए इससे अगर कम जाता है तो वो नहीं रह पाएगी कोई ना देखिए स्वाति जी आप बिल्कुल आप नर्वस हो रही हैं मुझे ऐसा लगता है आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा होता है कोई भी बात नहीं है अब आप अगर इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करेंगी तो डेफिनेटली आप सही आंसर करेंगे तो फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम में सभी के साथ में ऐसा होता है बस हमें एक बार उसको रिपीट करना रहता है फिर हमारे लिए नया एकदम तो आपको कोई नहीं है अगर आपको चाहिए समझना तो आप कल शाम को सात बजे वाली मेरी क्लास को ज्वाइन करना इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर और मेरा कोड है यूजीसी टेन उससे आप क्लास को एनरोल करवा सकते हो वहां पर आपको मैं मानती हूं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको हो जाएगी एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द टर्म म्यूनसिपल सॉलिड बेस्ट इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का आमतौर पर वर्णन किया जाता है बताइए जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका तो और मैं चाहती हूं जब हमारी कल की क्लास हो तो कल की क्लास में हमें और ज्यादा सभी लोगों को जितने साथी हैं आपको उनको आप लेकर आएंगे क्योंकि देखिए सभी लोगों को लगता है एनवायरमेंट ठीक है कर लेंगे मैं ही मानती हूं टेन ऑन टेन यूनिट्स में एक भी यूनिट को हम ये नहीं बोल सकते ठीक है कर लेंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तो तक करेंगे नहीं और पढ़ना है तो आप लोगों के लिए हम अवेलेबल हैं बहुत इजी है इसका तो आंसर ही आना चाहिए था बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम प्राइवेट होम कॉमर्शियल एस्टेब्लिश एंड एंड इंस्टीट्यूशन नाम सुना है स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने सुबह सुबह गाड़ी आती है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वो क्या है वो नगर पालिका ही तो भेजती है उसको तो वो जो सुबह सुबह गाड़ी आती है उसमें आप क्या डालते हैं बात बताइए वो गाड़ी हमारे पूरे सिटी को कवर करती है सिटी के अंदर आपके घर भी आते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग्स भी आती है और इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं तो कॉमर्शियल बिल्डिंग से निकलने वाला कचरा भी उसी गाड़ी में डलता है हमारे घर से निकलने वाला डोमेस्टिक वेस्ट भी उसी गाड़ी में डलता है और बाकी जगह वो जहां जहां वो जा रही है वहां वहां से कचरा ले रही है तो इसका मतलब यह है कि निजी घरों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थाओं से जो अपशिष्ट निकलता है वो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट उसको लेता है हमारे कचरा उठाने की जिम्मेदारी तो ली ही नगर ने है कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर के कचरे को बहुत दूर तक जाकर के डंपिंग करते हैं उसकी कि ठीक है बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया चलो यमुना जी और डंपिंग करके आते हैं कोई भी नहीं करता ऐसा सबके लिए अवेलेबल है घर के बाहर गाड़ी आती है सिर्फ आपको कचरा डालना रहता है गाड़ी कौन भेजता है नगर पालिका भेजती है बिल्कुल जी हाँ, अब देखिए टेलीग्राम को आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा कल की क्लास में आपको इसका टेलीग्राम लिंक वहां पे मिल जाएगा ठीक है तो गाइस आज की क्लास बहुत 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 शानदार रही आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी मुझे बहुत मजा आया आपको भी उतना ही मजा आना चाहिए अब मंडे को मेरी आपसे मुलाकात होती है इस चैनल पे साढ़े दस बजे जहां पे मैं क्या लेकर आ रही हूं आपके लिए हमारा सेशन सिक्स आप लोगों के लिए आएगा और इस बीच में अगर आप चाहते हैं अन अकेडमी पर मेरे साथ में जुड़ना तो कृतिका पारिक के नाम से ही आपको मेरी प्रोफाइल अन अकेडमी में मिलेगी इवन मेरी प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कहीं नहीं जाना एक बार डिस्क्रिप्शन को केयरफुली पढ़े उसको समझो वहां पर देखो कि क्या क्या यहां पे है टेलीग्राम हो गया पीडीएफ का लिंक हो टेलीग्राम हो गया प्लेलिस्ट का लिंक हो गया मेरी प्रोफाइल का लिंक हो गया सभी आपको वहां मिल जाएगा और जो मेरा कोड है दोस्तों वो है यूजीसी टेन सब्सक्रिप्शन ले लेना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यूजीसी टेन कोड लगा देना टेन परसेंट का डिस्काउंट तो आपको डेफिनेटली मिलेगा मेरे साथ में आप जुड़ेंगे जहां पे मैं आपको हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी लैंग्वेज का मेरे पास में कोई भी बैरियर नहीं है हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो दोनों ही लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबली आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास बहुत अच्छी रही अब मेरी मुलाकात होगी दो बजे वाली क्लास में जहां पे मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो थैंक यू सो मच क्लास अच्छी लगी हो लाइक like करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ओके हैव ए नाइस डे बाय